और कोयल की कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। पेड़ पे रहने वाले सारे कौवे एक जैसे होते तो ये कौवा उन सब से अलग व्यवहार करता था और बहुत ज्यादा शरारती भी था। इसके कारण में कभी बाकी के कौवों को भाते तो कभी कभी वे कौवे उसे छेड़ जाते थे। फिर भी वो कौवा तो अपनी मर्जी से ही रहता था। एक बार उस कौवे को गाने की इच्छा जागी, लेकिन उसके कठिन स्वर के कारण गाना गा नहीं पाता था, पर वो सीखना चाहता था। तो तुरंत कहीं दूर रहने वाली कोयल के पास उड़ता हुआ गया। कोयल, ओ कोयल, मुझे तुम गाना सिखाओगी ना? बोलकर कौवे ने पूछा। इसके लिए कोयल हंसते हुए बोली, हाँ, तुम तो गाना गाना नहीं सीख पाओगे। नहीं नहीं, मैं तो गाना सीख के ही रहूंगा, बोलते हुए कौवे ने शोर मचा दी। चलो जाने देती हूँ, थोड़े दिन सिखाऊंगी तो कौवे को भी पता चल जाएगा, सोचा कोयल। अब कोयल गाना सिखाने के लिए मानने पर कौवा खुशी से उछल पड़ा और उस दिन से हर रोज कौवा कोयल के पास आकर गाना गाने की शिक्षा ले रहा था। ऐसे बहुत दिन बीत गए। तब तक आम के पेड़ों से आम भी उगने लगे और वो पहली आम खाई हुई कोयल गाना गाने वाली थी। लेकिन कोयल अपने मीठे स्वर से की आवाज में गाने जा रही थी तो उसके बजाय उसके गले से काऊ काऊ वाली चीख सुनाई दी। कोयल की गीत कौवे को नहीं आया, लेकिन कौवे की काऊ काऊ वाली चिल्लाहट कोयल को जरूर आ गया। अपने गले की आवाज को क्या हुआ करके कोयल डर गई। इससे पहले कौवे को शिक्षा देने वाले काम उसने छोड़ दिया। तुम्हें गाना सिखाना तो मेरे बस की बात नहीं, अब देखो ना मेरे गले की आवाज भी तुम्हारी आवाज जैसे बदल गई। न जाने मेरे मीठा सा स्वर कब लौटाएगा मुझे और कब मैं मीठा गाना गाऊंगी, बोलते हुए कौवा उदास होकर कौवे को उधर से भेज दिया। इस कहानी की सीख है कि हर किसी को अपने अपने काम ही करना चाहिए। घमंडी गधा। एक बार एक गांव में एक गधा और एक मुर्गा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सारा दिन वो खाने की तलाश करते हुए गांव में फिरते रहते थे और शाम में गांव के किनारे पर एक घर में आराम करते थे। उस गधे को बहुत घमंड था। वो अपने आप को ही सबसे अच्छा मानता था और उस पर घमंड करता रहता था। लेकिन मुर्गा बिल्कुल वैसा नहीं था, वो बहुत शांत और होशियार था, सबसे मिलजुल कर रहता था और अपने दोस्त गधे को भी यही समझाता रहता था, पर गधा उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन जंगल से एक शेर खाने की तलाश में गांव के अंदर आ गया। उसे गांव में एक बहुत मोटा ताजा गधा नजर आया। वो गधे को देखकर उसका शिकार करना चाहता था। वो उसके शिकार के लिए छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। वहीं गधा बड़े आराम से घास खा रहा था। गधे को देखकर उसे भूख लग रही थी, वो उसे खाना चाहता था और इसी बीच वो जोर जोर से गुर्राने लगा, लेकिन गधे को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं मुर्गे ने उसकी आवाज दूर से ही सुन ली। उसके दोस्त पर जो हमला करने वाला था उसने वो देख लिया और देखते ही जोर जोर से बांग देने लगा। उसके बांग की आवाज से शेर डर गया और सोचने लगा कि कहीं वहां गांव के लोग जमा हो गए तो उसे मार डालेंगे, और वो वहां से भाग गया। गधे का ध्यान खाने पर से हट गया और वो शेर को भागते हुए देखकर समझने लगा कि वो उसे देखकर भाग रहा है और अपने आप पर घमंड करने लगा। शेर उससे डर कर भाग रहा है सोचकर वो भी उसके पीछे भागने लगा। वो शेर की ही गति से उसके पीछे भागता हुआ जंगल में पहुंच गया। जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच आ गए तब शेर ने ध्यान दिया कि गधा उसके पीछे भाग रहा था। गधे ने उसे पलटते हुए देखा और कहा, तुम है मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शेर उस
उसकी ये बात सुनकर हंसने लगा और मन ही मन में खुश होने लगा कि उसका शिकार बिना मेहनत किए उसे मिल गया है। बिना समय गवाए वो गधे पर कूद गया और एक ही पंजे में उसे मार डाला और आराम से अपना शिकार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, भाग गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा, बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मार कर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए, अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा, कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा, उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो, चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे, ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त, अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव कतरा ही लाता है।